क्राइमब्रांच की एंटी नार्कोटिक सेल ने जरीपटका थाना क्षेत्र में जाल बिछाकर गांजा का आदान प्रदान कर रहे चार आरोपियों को गिरफ्तार कर 93 किलो माल जब्त किया है। यह माल ओडिशा से संबलपुर से आया था। कार्रवाई की जानकारी देते हुए सीपी रविन्द्र कुमार सिंगल ने बताया कि नशीले पदार्थों की सप्लाई चेन तोड़ने के लिए ओडिशा और आंध्र प्रदेश की पुलिस के साथ समन्वय बढ़ाया जाएगा। शहर में नशीले पदार्थों की बिक्री करने वालों पर तो कार्रवाई तो हो ही रही है, अन्य राज्यों से यहां माल बेचने वालों पर भी शिकंजा कसने का प्रयास किया जा रहा है। क्राइम ब्रांच की एंटी नार्कोटिक सेल के कांस्टेबल रोहित काले को जानकारी मिली थी कि जरीपटका की आर्य नगर में गांजा विक्रेता माल का लेन देन कर रहे हैं। इसके आधार पर पुलिस दस्ते ने परिसर में जाल बिछाया, एक कार से दूसरी कार में गांजा के बोरे रखे, चार आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ा गया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में कांची हाउस चौक रमाईनगर निवासी उम्र खान अब्दुल रशीद खान, उसकी पत्नी दरक्षा अंजुम उर्फ रानू, बडनेरा अमरावती निवासी शेख रिजवान शेख यूनुस और आजरी माजरी निवासी अब्दुल आरिफ अब्दुल खालिक का समावेश है। उनसे पूछताछ में पता चला कि माल शिवनगर निवासी मोहम्मद जुनेद इब्राहिम राजवानी ने दिया था। पुलिस ने जुनेद को भी हिरासत में ले लिया है। जुनेद ने अमरावती निवासी काशिफ अहमद का नाम बताया है, लेकिन वह पुलिस के हाथ नहीं लगा है। 18,62,000 रुपए का गांजा और दो कार सहित 41,00,000 रुपए का माल पुलिस ने जब्त किया है। उम्र खान पर आर्म्स एक्ट और मारपीट के मामले दर्ज है। वर्ष 2018 में पुलिस ने उससे तड़ीपार भी किया था। उसकी पत्नी के खिलाफ भी आपराधिक मामले दर्ज है। आरिफ के खिलाफ पहले भी नशीले पदार्थ बेचने का मामला दर्ज हो चुका है। जुनेद के खिलाफ अपहरण और रेप का मामला दर्ज है। सीपी ने बताया है कि अन्य गंभीर मामलों की तरह ही एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज किए जाने वाले मामलों में भी जल्द ही जांच और चार्जशीट दायर की जाएगी। इन मामलों में जल्द सुनवाई और आरोपियों को सजा होने से कानून का भय निर्माण होगा। इसके लिए विधि विभाग से भी समन्वय किया जाएगा। तो इसमें जो है एक उड़ीसा से जो है बताया जा रहा है कि वहां से ये आया है, और अभी मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, हमारी टीम उसपे काम कर रही है। उधर बताना मुझे 1,45,000 रुपये या बताना मुझे जेंचे मुकदमा मध्ये आपल्याला निष्पन्न होतो किती केसेस आहेत त्याच्यावर, किती मध्ये चार्जशीट झालेली आहे, हे सगळं आता चालू आहे। कारण कालच आपण हे सगळं केलेलं आहे, आता पुढची आमची कारवाई चालू आहे। जी इसका अब जो है ये चत्र जो इनके ऊपर जो आरोपी है इनके ऊपर सबका हमने अभी तक निकाला है, परंतु जहां से ये है इनका हिस्ट्री पुरानी वो भी निकाल रहे हैं। जैसे एक काम टीम में शक्कर दारा और गणेश पे ये अलग अलग तीन लोगों के ऊपर अलग अलग केसेस दर्ज किए हैं, इसमें ये अभी तक मिली है इन्फॉर्मेशन। और बाकी के जो है जैसे जी उमेर खान अब्दुल रशीद जो है उसके ऊपर लगभग 10 केसेस मतलब 8-7 केसेस हैं, और उसके ऊपर प्रिवेंटिव एक्शन भी लिए गए हैं, तो 7 केसेस इस पे हैं। दूसरा एक द्रक्षा करके है उसके ऊपर भी 3 केसेस हैं, तो हर एक के जो बाकियों के ऊपर एक एक दो दो केसेस हैं। नहीं ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं हो रहे, क्योंकि आपने पहले भी देखा है एमडी केस था, वो हमने 3rd-4th लेवल तक हम लोग पहुंचे थे उसमें, और वो यही टेक्निकल इंफॉर्मेशन के ऊपर पहुंचे थे, और ये भी जो है इसके ऊपर भी हम इसी तरह से कर रहे हैं कार्रवाई, कौन इनके कनेक्शन में थे। आपको मालूम है कि ये जो है जनरली कौन सा मीडियम यूज करते हैं बात करने का, इसमें हम जाते ओपनली इतना बताना ठीक नहीं रहेगा, परंतु हम ऐसे इनको छोड़ नहीं रहे, इतना ही मैं बता सकता। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।